आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ एलईडी प्रोजेक्टर्स के बारे में, जो कि मैंने खरीदे हैं अमेजोन से। जैसा कि आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने अपनी R15 की हेडलाइट में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। तो अभी जो प्रोजेक्टर मैंने उसके लिए ऑर्डर किए हुए थे वो मैंने आज कलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं बॉक्स के अंदर हमको मिला क्या है और किस प्राइस पे मैंने उनको खरीदा है। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सी माय वीडियोस फर्स्ट। सो गाइस, ये है पार्सल और ये मुझे मिला है अमेज़ॉन की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं COD अमाउंट टू बी कलेक्टेड 1406 रुपीज़ का। तो 1406 रुपीज़ का यहाँ पर मुझे दो LED प्रोजेक्टर मिले हुए हैं, क्योंकि मैंने दो ऑर्डर किए हुए थे। 703 रुपीज़ का एक प्रोजेक्टर है, क्योंकि R15 में होती है डबल हेडलाइट, तो वहाँ पर हमको दो की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए अभी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। वगैरह हटाने के बाद में ये दो बॉक्स मिलते हैं हमको। मैंने ऑर्डर तो किए थे सेम प्रोजेक्टर, अब पता नहीं दोनों अलग अलग बॉक्सेस क्यों हैं, खोलने के बाद ही पता चलेगा दोनों सेम हैं या नहीं। तो पहले अगर हम ये वाला खोलते हैं, तो पहला प्रोजेक्टर तो ये मिल जाता है जिसमें हमको डे टाइम रनिंग LED मिल जाएगी एक, और LED प्रोजेक्टर है ये। और सेकंड वाला जो बॉक्स है प्रोजेक्टर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह है, इस पर डिज़ाइनिंग नहीं है, बाकी दोनों सेम ही है। इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसके कंपैरेटिव। सो गाइस, दोनों बॉक्स के अंदर हमको ये दो प्रोजेक्टर मिले हैं। अब 703 रुपीज़ का एक है, तो अब जब भी मैं इनको इंस्टॉल करूँगा अपनी बाइक में, तो उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊँगा किस तरह से मैंने इनको इंस्टॉल किया है और किस तरह से ये दिखेंगे लगाने के बाद में, इनकी लाइट किस तरह से ब्राइट है या नहीं, सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।